वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारी एक दर्शक है रेखा भारद्वाज चंडीगढ़ से, इन्होंने लिखा है कि मैं नाश्ते में सुबह पराठा खाती हूँ और उस पर भी मक्खन डाल के खाती हूँ, और जब से पता चला है कि ये डीप फ्राइड फूड जो होता है वो अनहेल्दी है, मैं काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन मुझे सुबह सुबह ऑफिस जाना रहता है तो अक्सर नाश्ता भी बाहर का ही करना पड़ता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। रेखा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आज आपको एक ऐसी चटनी बनाना सिखाता हूँ जो कि जब भी आप ऐसा डीप फ्राई फूड खा रहे हों, समोसा खा रहे हों, या जैसे आपने बताया कि आप पराठे खाती हैं रेगुलर, उसके साथ में अगर आप ये चटनी खाएंगी तो जितना भी ये डीप फ्राई फूड का नुकसान होता है ये इसको काउंटर कर देगी चटनी, क्योंकि हम इसमें ऐसे इन्ग्रीडियंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, चलते हैं और बनाते हैं चटनी। तो इस चटनी को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे काफ़ी सारी धनिया का। धनिया जो है, धनिया पत्ती आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि धनिया पत्ती इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है। धनिया में आयरन होता है और बॉडी आयरन तब एब्जॉर्व करती है जब उसके साथ विटामिन सी मिल जाए। तो विटामिन सी के लिए तो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर जो है विटामिन सी से भरपूर है, साथ साथ इस चटनी का टेस्ट भी बहुत बढ़ाएगा। अगर आप डीप फ्राई फूड खाते हैं तो सबसे पहला टेंशन आपको ये आता है कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हम इसमें लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन जो है कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। साथ ही हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करते हैं, प्याज भी आपके खून को पतला करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। इसके साथ ही हम इसमें अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरक जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ाती है। तो ये जो चटनी है ये बहुत ही बढ़िया डाइजेस्टिव चटनी है, जो कि आप जंक फूड कभी खाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ये चटनी अगर आप साथ में खाएंगे तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हम एक हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हरी मिर्च अगर थोड़ी मात्रा में आप खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा हरी मिर्च खाने से बचें आप, क्योंकि फिर इसके कारण थोड़ी जलन वगैरह हो सकती है आपको, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में और अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए हरी मिर्च भी आपके खून को पतला करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। तो अब हमें क्या करना है, ये ग्राइंडर में डालेंगे हम ये सारे इंग्रेडिएंट जो हमने ले लिए हैं, और डालने के बाद इसको पीस लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी डाइजेस्टिव चटनी तैयार हो गई है। आप कभी भी अगर बाहर जा रहे हैं और आपको बाहर का खाना खाना पड़ रहा है तो आप एक डब्बी में ये चटनी कैरी कर लें, और कुछ भी अगर आप बाहर का खा रहे हैं साथ में अगर आप ये चटनी खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन भी नहीं बिगड़ेगा और आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो अगली बार ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, चाहे आप घर का खाना खा रहे हो चाहे आप बाहर का खाना खा रहे हो। वैसे मेरी सलाह ये है कि बाहर का बहुत ज़्यादा ना खाएं, लेकिन ये चटनी ज़रूर खाएं आप। नॉर्मल भी अगर आप ये चटनी खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो अगली बार जब कभी भी बाहर जाएं ये चटनी ज़रूर बनाकर ले जाएं, और घर पर भी रहें तो ये चटनी ज़रूर खाएं। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।